अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। और आज हमारे देसी अमेरिकन किचन में बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, और वो है मटन पुलाव की रेसिपी। हमारे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने खास तौर पर ये फरमाइश की है कि मटन पुलाव बनाया जाए, और वो भी देहाती स्टाइल का। तो चलिए बनाते हैं मटन पुलाव और देहाती स्टाइल में। ये तकरीबन 2 लीटर मटन है, मिक्स बोटी है, और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 10 टेबलस्पून ऑफ पुलाव मसाला। ये घर में भी बनाया जाता है और आप बाजार से भी ले सकते हैं। मैंने ये घर में बनाया है। आई विल शेयर यू द रेसिपी ऑफ दिस पुलाव मसाला। तो हम इसमें डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से कर देते हैं अब मिक्स। और अब हम इसे ढक के पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। 2 घंटे हो गए हैं, अब देखें हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। स्टोव को मैं कर रही हूँ बंद, और ये हमारी जितनी भी बोटियाँ हैं, ये देखें हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल गया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इन सब बोटियों को जो है हम इस यखनी से करेंगे अलग। तमाम बोटियों को हम निकाल लेंगे। अगर इसके साथ थोड़ा सा मसाला, खड़ा मसाला भी आ रहा है तो इट्स ओके। हमारी तमाम बोटियां हमने इसमें से निकाल ली हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये तकरीबन जो यखनी है, तैयार यखनी में से मैं 2 कप जो है यखनी निकाल लूंगी। ये तकरीबन 2 कप यखनी है, मैंने निकाल ली है इसको। और अब मैं क्या करूंगी, स्टोव को मैं कर रही हूँ दोबारा से ऑन। इसमें मैं शामिल करूंगी पानी। ये तकरीबन हम डालेंगे, 2 किलो हमारा गोश्त था, 2 किलो चावल है, और तकरीबन हमारे पास 10 कप से अगर हम कहें चावल है तो तकरीबन 8 कप जो है वो मैं इसमें डालूंगी, और इसी में हम अपने चावल को बॉईल करेंगे। और जो ही हमारा पानी बॉईल होगा, हम इसमें शामिल करेंगे अपने चावल। यखनी का पानी बॉईल हो गया है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें चावल। ये तकरीबन 2 किलो चावल है, और इनको हम पकाएंगे उसी यखनी में, गोश्त हमने निकाल दिया था। चावल का पानी बॉईल हो रहा है, मैं यहाँ पे, हमने क्योंकि यखनी में ऑलरेडी नमक डाला था, सो चेक करेंगे नमक, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पानी डाला है। तो मैं यहाँ पे नमक डालूंगी, तकरीबन मैंने 2 टीस्पून के करीब नमक डाला है। दोबारा से हिला देते हैं इसे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने नमक की क्वालिटी के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। ऊपर नीचे कर देते हैं। फ्लेम को मैंने हाई रखा है ताकि हमारा चावल बहुत अच्छे से बन जाए। अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। जब तक हमारा चावल बॉईल होता है, एक पॉट मैंने लिया है, और उसमें मैंने ये तकरीबन 3 मीडियम साइज के थिनी स्लाइस्ड अनियन हैं, तेल गरम करके इसमें डालते हैं। 1 कप ऑयल लिया था हमने, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें पकाएंगे। हमारे अनियंस जो हैं वो काफ़ी हद तक ब्राउन होने लगे हैं। अब बस इसी पॉइंट पर हम आहिस्ता आहिस्ता इनको चलाएंगे, और जैसे ही थोड़े तमाम के तमाम का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारी प्याज जो है वो ऑलमोस्ट हो गई है। स्टोव को हल्का कर रही हूँ मैं, और इसमें से तकरीबन इतनी प्याज मैंने निकाल ली है। बाकी प्याज में हम शामिल करेंगे दीगर अशिया। स्टोव को कम कीजिएगा वरना प्याज बहुत ज़्यादा जल जाएगी। अब मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी मिला लेते हैं बहुत अच्छे से। फ्लेम को धीमा रखिएगा। अब मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर मिर्चों का पेस्ट, ये भी हम 2 टीस्पून के करीब इस्तेमाल करेंगे। पुलाव में बहुत ज़्यादा लाल मिर्चों का या दूसरे मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ग्रीन चिली पेस्ट जो है वो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। बहुत अच्छे से इसे चलाते हैं।
अब यहीं पर मैं शामिल करूंगी दही। दही तकरीबन मैंने एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, एक कप दो टेबलस्पून आप कह सकते हैं। स्टोव को अब जो करेंगे हम फ्लेम को मीडियम हाई, और इस दही के साथ इसे चलाते हैं जब तक दही का पानी बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। मैंने यहाँ पर 7 से 8 हरी मिर्चें भी डाली हैं और नमक भी डाल दिया है हसबे जायका। दही के पानी ड्राई होने तक हम इसे पकाएंगे। ऑयल ज़्यादा है, उसकी वजह ये है कि जब हम चावल डालेंगे इसके साथ तो हमारा ऑयल बैलेंस हो जाएगा। ये देखिए हमारे दही का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, स्टोव को मैं मीडियम लो कर रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वो गोश्त जो हमने निकाला था यखनी से। गोश्त हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, लिहाजा हमें इसे किसी किस्म की भुनाई नहीं करनी है, बल्कि इसे ऊपर नीचे करके इस मसाले के साथ एडजस्ट करना है। नमक भी हमने डाल दिया था, यखनी में भी हमने नमक डाला था, सो वी डोंट नीड एनी नमक। अब मैं क्या करूंगी, वो जो यखनी हमने निकाली थी वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, मैं इसे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी चमचा, अदरवाइज हड्डी के साथ जो गोश्त लगा हुआ है वो अलग हो जाएगा। अब हम इसे एक जोश आने तक पकाते हैं। हमारा गोश्त ऑलमोस्ट रेडी है, बंद कर रही हूँ मैं स्टोव को और अब हम अपने चावल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे चावल कितने डन हुए हैं। हमारा गोश्त जो है ऑलमोस्ट डन हो गया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने एक और चीज़ डालनी है इसमें, हैंडफुल ऑफ सिनेट्रो, धनिया डालेंगे। आपको कोई भी सिंधी डिश बगैर धनिए के नहीं मिलेगी। और इसे कर देते हैं मिक्स मिक्स एंड मिक्स। बस ये डन है। चावल की तरफ चलते हैं और देखते हैं चावल कहाँ पहुँचा है। चावल को देख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है वो ऑलमोस्ट डन है। और इसे 3-4 मिनट और देखते हैं एंड देन फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। चावल का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। ऊपर से हम चावल के डाल देंगे वो ग्रेवी जो हमने गोश्त की बनाई है और इसे बिल्कुल फैला देंगे ऊपर से। हल्के हाथों से मैं इसे ऊपर नीचे करूंगी, बहुत हल्के हाथों से, गोश्त भी गल चुका है। इस मौके पर हमारे चावल जो है वो टूटने का खदशा है, सो हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, सालन को ऊपर ही रहने देंगे। जब ये थोड़े से स्टेबल हो जाएगा तो फिर हम इसे मिक्स करेंगे। मैंने नीचे एक तवा रखा है और उसके ऊपर मैंने रख दिया है ये पुलाव और इसे ढककर हम पकाएंगे। दम हो गया है, खोल के देखते हैं और ये देखिए हमारे ज़बरदस्त किस्म का पुलाव रेडी है। ऊपर से डाल देते हैं हम ये फ्राइड अनियन जो कि हमने स्टार्ट में निकाल लिए थे और करते हैं इसे डिश आउट। मटन पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और यस, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर 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 प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।